जी, मेले का शुभारंभ हो चुका है। मेले प्रांगण में किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होना है, क्या? देखिए, जैसा कि हर वर्ष होता रहा है हमारे गोवर्धन नाथ जी के मेले में, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक सभी तरह के प्रतिष्ठान यहाँ पर कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे मेले का वो है, वो कार्तिक माह में धार्मिक आयोजन ज़्यादा होते हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन नवरेंद्र सिंह चौहान ने यहाँ यज्ञशाला बनवा दी थी परमानेंट। हमेशा यज्ञ होता है, रासलीला होती है। रासलीला तो हमें याद है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, कक्षा 4 या 5 में पढ़ते थे, तब से हम लोग रासलीला देखने यहाँ आया करते थे। तो ये हमेशा से धार्मिक मेला है, धार्मिक ही आयोजन है, होते रहते हैं, नहीं है हम लोग। आज शास्त्री श्री गोवर्धन नाथ जी के यहाँ पे मेला का शुभारंभ हुआ है और श्री गोवर्धन नाथ जी चरखारी नगर से आज यहाँ पर पधारे हैं। 139वां यह मेला है जो रियासत काल से अनवरत चलता आ रहा है। क्षेत्रवासी नगर के और दूर दराज के लोगों में बड़ी आस्था है। कार्तिक के माह में एक माह का मेला लगता है और आज विधिवत पूजन के साथ आज शुभारंभ हुआ है। और निश्चित तौर से यहाँ पे जो व्यापारी हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग बाग हैं, तो यहाँ मेला में दूर दराज के भी दुकानदार आते हैं, दुकानें लगाते हैं और लोग जो एक श्रद्धा का केंद्र है, तो जो अपने आस्थावान हैं सभी लोग यहाँ पर कार्तिक के माह में आते हैं और इसका बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है।